सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आप सभी लोग का फार्मेसी कैप राउंड वन का अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है। अभी अलॉटमेंट रिलीज होने के बाद आगे के फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं, आपको फ्रीज करना है, बेटरमेंट करना है, क्या कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं, इस सब टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करना कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और आपको अगर कोई सेम कॉलेज के स्टूडेंट्स मिले तो आप उनके साथ चैट भी कर सकते हो। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारी अपकमिंग अपडेट्स आती है, जो भी अपकमिंग वीडियोस बनते हैं वो सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हम सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो जैसे आप वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट पे लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस। आपको अलॉटमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आपने अलॉटमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन आईडी फिलअप करो, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करो और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कैप राउंड वन में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अभी अलॉटमेंट के बाद का फर्दर प्रोसेस क्या रहता है, अलॉटमेंट के बाद आप जैसे कल अपने लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे, अपने एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होता है फ्रीज, एक होता है बेटरमेंट। अब ये दो ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है और ये दो ऑप्शन के बाद का फर्दर प्रोसेस क्या है, चलो वो जानते हैं। सबसे पहले आपको डेट्स नोट डाउन करनी है। आपको जो अभी सीट अलॉट हुई है उसके लिए आपको चॉइस बनाने के लिए आपको फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट करना है, इसके लिए आपको 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का ऑप्शन है, 14 तारीख को भी शाम दोपहर के 3 बजे तक। उसके बाद अगर आपने फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक किया, फ्रीज मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, आगे फर्दर कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 के लिए आप नहीं जाना चाहते, आपको जो कॉलेज मिला है उसी में आप फाइनल एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप फ्रीज कर सकते हो। जैसे आपने फ्रीज किया तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, और रिपोर्टिंग के लिए डेट्स क्या है, 11 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में कॉलेज में जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, फर्स्ट ईयर की फुल फी पेमेंट करनी है और वो भी शाम को 5 बजे से पहले। तो 14 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले आपको ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं अगर आपने फ्रीज किया तो। बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन, बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। अभी बेटरमेंट में क्या होता है, आपने जैसे बेटरमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आप नीचे आप आगे कैप राउंड 2 के लिए प्रोसीड होते हो। अभी कैप राउंड 2 में वापस से आप ऑप्शन फॉर्म बनाओगे, अभी उस ऑप्शन फॉर्म में आपको वही ऑप्शन रखने जो कॉलेज आपको अभी अलॉट हुआ है उसके ऊपर के चॉइसेस। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज को छोड़ के बाकी आप दूसरे कॉलेज में जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो वही कॉलेज इसके आपको ऑप्शन रखने हैं फॉर द बेटरमेंट चॉइस फिलिंग। बेटरमेंट में कोई भी नीचे का कॉलेज मत रखना। अभी बाय चांस कैप राउंड 2 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता बेटरमेंट में, तो आपका कैप राउंड 1 का कॉलेज आपके पास रहेगा। अगर कैप राउंड 2 में कोई अदर कॉलेज अलॉट हुआ एज पर योर चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 2, तो फिर आपका ये कॉलेज एक्सचेंज हो जाएगा, तो फिर ये कॉलेज चला जाएगा, आपको जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपके पास रहेगा, ये चीज याद रखना। एंड बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन, बेटरमेंट में वही चॉइस फिलअप करो जो आप चाहते हो और जो इस कॉलेज के ऊपर की चॉइसिस है वही आपको फिलअप करनी है, और बाकी कोई चॉइस अलॉट नहीं होती तो आपके पास कैप राउंड 1 की चॉइस रहेगी इन द फर्दर बेटरमेंट कैप राउंड 2। तो बेटरमेंट आप कर सकते हो, एंड राउंड 2 के लिए तो आप बेटरमेंट के लिए जाओ, राउंड 2 में आप फाइनल डिसीजन बना सकते हो कि आपको फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है। तो कैप राउंड 2 के लिए आप बेटरमेंट के लिए जाओ और जरूर जाओ, और अच्छे से ऑप्शन फॉर्म डिजाइन करना। ऑप्शन फॉर्म में कोई भी लोअर कॉलेज मत रखना, आपको वही कॉलेज रखने जो आपको अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे अच्छे कॉलेजेस है। फाइनली यही था। बाकी गाइज अगर आप अभी भी काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो अभी भी आप काउंसलिंग परचेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, बहुत ही डेंस डे कि भैया अभी क्या करूँ, कैप राउंड टू में कैसे ऑप्शन फॉर्म बनाऊँ, तो आप अभी भी काउंसलिंग प्रोग्राम परचेस कर सकते हो। अभी काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मिल जाएगी, आपको बस लिंक पे क्लिक करके काउंसलिंग को एनरोल्ड करना है। अभी काउंसलिंग प्रोग्राम में आप सभी के लिए एक ऑफर भी है, जैसे आप नीचे आप आओगे काउंसलिंग प्रोग्राम में तभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको एक कूपन मिलेगा, तो यहाँ पे अप्लाई हियर पे फार्मेसी का कूपन है जिसको आप अप्लाई करोगे आपको ऑन स्पॉट 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब ये प्रोग्राम आपको ओनली 1309 में मिलेगा, सो आप यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। और ये प्रोग्राम इट्स नॉट फॉर ओनली कैप राउंड, आपके जो भी अभी फर्दर कैप राउंड है, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, उसके बाद स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, उसके बाद स्कॉलरशिप के फॉर्म आपको थ्रू आउट दी
ईयर थ्रू आउट द ईयर जो भी आपको गाइडेंस लगेगी हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जो भी एडमिशन सीजन में आपको जो भी इशू फेस हो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो थ्रू कॉल एंड मैसेजेस। और जैसे आप काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल्ड करते हो आप हमारे पेड काउंसलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाओगे। सो यही था आप सभी के लिए मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। बाकी वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। सो गाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।